बसमीम्अल स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम सेवियर स्कूल सिस्टम टुडे वी विल कंटिन्यू अवर यूनिट नंबर फोर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स हमने इससे प्रीवियस लेसन में स्टार्ट कर लिया था और इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको इससे प्रीवियस लेसन में करवाया था आज के इस लेसन में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ाऊंगी और उसमें सबसे अहम जो पहली टाइप है दैट इज आयनिक बॉन्ड उसके बारे में हम आज के लेसन में पढ़ेंगे तो देखते हैं कि हमारे आज के लेसन में क्या है आपकी बुक के पेज नंबर नाइन्टी फोर पे आपको यहां पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है द केमिकल बॉन्ड वेन एलिमेंट रिएक्ट टू फार्म अ कम्पाउंड केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करते हैं या एक कम्पाउंड बनाते हैं मिलकर कोई बड़ी चीज बनाते हैं तो किस चीज तो केमिकल बॉन्ड बनता है वेन अ कंपाउंड अंडर गोज केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड बिटवीन दीज रीअरेंज और फिर अगर दोबारा वो किसी केमिकल रिएक्शन में से गुजरे वो जो बना हुआ है कंपाउंड तो उसके जो बॉन्ड है वो रीअरेंज होते हैं The attractive force which hold फोर्स atoms होल्ड to टू फॉर्म chemical molecule इज called केमिकल बॉन्ड डेफिनेशन ये है केमिकल बॉन्ड की कि attractive फोर्स जो क्या करती है एटम्स uh, को इकट्ठा करके रखती है उसको आ, आप क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं ठीक है जिस फोर्स की वजह से दो एटम इकट्ठे मिलकर uh, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या जुड़कर रहते हैं दो एटम तो वो फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाती है वेन आर कम्पाउंड डिकम्पोजिस अगर कंपाउंड टूटे सम ऑफ और आल ऑफ द बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन तो फिर क्या होता है कि उसके बॉन्ड टूटते हैं हम उनके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तभी कोई चीज जो है वो टूटती है ये कंपाउंड जब टूटता है तो उसके बॉन्ड्स जो है वो टूटते टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है आपके आपके पास फोर तो टाइप्स है सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड है कोविलेंट बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड और कॉर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड ये देखिए यहां पे मैंने एक आपके लिए पिक्चर डाउनलोड की है इसमें आप देखें एक एटम जो है ये आयनिक बॉन्ड का बताया हुआ है सबसे पहले ये देखिए ये एक एटम है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे रहा है तो आयनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दे देता है दूसरी पिक में आपको ये देखिए कोविलेंट बॉन्ड का बताया यहाँ पे ये दो आइटम शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इसका मतलब है कि कोविलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और मेटेलिक बॉन्ड में जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह पे नहीं रहता मूव करता रहता है यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मेन पॉइंट्स आयनिक बॉन्ड के लिखे हैं टॉपिक को पहले बुक से पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ आ जाए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन आयनिक बॉन्ड सबसे पहली बात तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पर चला जाता है दूसरा पॉइंट आयनिक बॉन्ड अकल बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल अच्छा ये जो बॉन्ड बनता है ना आयनिक बॉन्ड नाम आयन बनते हैं फिर बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड का मतलब तो ये मेटल और नॉन मेटल में बनता है अब इसकी वजह क्या है कि ये मेटल और नॉन मेटल में क्यों बनता है या सिर्फ नॉन मेटल में क्यों नहीं बनता तो इसकी वजह ये है कि जो मेटल होता है ना उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है हमेशा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ज्यादा होता है इसी वजह से मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो इसलिए मेटल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और जो नॉन मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आपने देखो कि ज्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकिटी नहीं होते क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता मूवमेंट के लिए तो मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे, दे देता है नॉन मेटल को और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना अपने शेल बाहर वाला आउटर शेल ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए तो इस तरह इनके दरमियान एक फोर्स पैदा हो जाती है और वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फिर आयनिक बॉन्ड कहलाती है थर्ड पॉइंट कैटाइन बनते हैं और एनाइन बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वो चार्ज आता है ठीक है कैटाइन पॉजिटिव एनाइन नेगेटिव ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज एटम इज कार्ड आयनिक बॉन्ड तो जो जब एक ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो दोनों एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है फिर उस चार्ज की वजह से दोनों एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं ठीक है बॉन्ड असल में एक फोर्स है जो कि दो आइटम्स को इकट्ठा करके रखती है ठीक है अब वो फोर्स जो है वो शेयरिंग की वजह से होगी तो वो कोविल्ड के लाएगा अगर वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी तो वो आयनिक बॉन्ड के लाएगा ठीक है अब देखते हैं कि आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है आयनिक बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड विच इज द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड इसको इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं ठीक है आयनिक बॉन्ड को ये मैंने आपको बता दिया कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम कंप्लीट द ऑक्टेट एंड डुप्लेट हमने बहुत डिटेल से ऑक्टेट और डुप्लेट रूल्स को पढ़ा है बाहर वाले शेल में जब आठ इलेक्ट्रॉन हो, uh, हो तो वो ऑक्टेट कहलाते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो डुप्लेट कहलाते हैं तो जब ए, ए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा ऑक्टेट या डुप्लेट रूल जो है वो फॉलो हो जाएगा दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑलवेज बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एट एंड नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आइंस ठीक है मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज कर देते हैं जो है उसकी वजह यह है कि उसके पास एक्स्ट्रा होता है तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपना दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो कैटाइन बन जाता है और जो नॉन मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता ले है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो फिर उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्स है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है किसी एटम के ऊपर अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेन्स इट The atom that loses the electron acquires positive charge and the other atom which gains the electron becomes a negatively charged particle. Due to the opposite charge, on, um, an electrostatic force of attraction is set up between them. This force holds these ions together. This force of attraction is referred as an ionic bond. Okay, very simple जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो दूसरा ले रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो दोनों एटम पे एक चार्ज आ जाता है और फिर वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होती है इन दो एटम्स के दरम्यान में जो इनको इकट्ठा करके रखती है इसको आप आयनिक बॉन्ड कहलाते कहते हैं ठीक है एन एटम हैविन लो आयोनाइजेशन एनर्जी विल लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म के टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए या उस इलेक्ट्रॉन को उससे अलग करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या किसी एटम को आयन में बदलने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उस, उसको आप कहते हैं कि वो आयनाइजेशन एनर्जी तो जब जाहिर बात है किसी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि अगर वो बहुत थोड़ी सी एनर्जी के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन उसको जो है वो हट हटा सकते हैं हम उससे तो वो जो है बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है कम एनर्जी पे तो उसकी इसका मतलब है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी कम है तो जो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी कम होती है तो वो एटम बहुत आसानी से अपने दो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो खो देते हैं या उनसे अलग हो जाते हैं तो वो फिर खुद कैटाइन बन जाते हैं मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एन एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी विल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आइन और जो एटम जो है जिन, जिनकी जिनकी हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है ठीक है मतलब उनकी आयोनाइेशन एनर्जी भी हाई होती है और जो है वो उनके एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मतलब फोर्स से बाउंडेड होते हैं तो वो जो है क्या वन और मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा हासिल कर लेगा ले लेगा ठीक है क्योंकि उसको जरूरत होगी उस एटम को तो वो क्या बना लेगा एनाइन बना लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जा जाएगा तो ये बस इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था आयनिक बॉन्ड के बारे में